अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे? दोस्तों मैंने आगे वीडियो बनाई थी लेकिन पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो सारे टास्क कर लिए लेकिन आपको फिर भी वीडियो में बता देता हूँ क्या क्या तरीका कार है। कुछ न्यू टास्क आए हैं, जैसे जेटा फ्यूल का टास्क लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ है, अब सितंबर आ चुका है, आज 1 तारीख है। तो इसके अंदर दोस्तों जो रॉयल्टी प्रोग्राम है वो चल जारी है। मैं अभी भी एक आईडी में काम कर रहा हूँ, बाकी आईडी में काम छोड़ दिया समझ लें। तो 34 वीक्स हो चुके हैं मुझे काम करते हुए फरवरी से, और 16 लाख पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, स्ट्रेक इसकी ना छोड़ें 16, अगर आपके पास एसेट कम है तो कम अज़ कम ये 15 से 20 हज़ार पॉइंट बना लें ताकि आपकी स्ट्रेक जारी रहे। ठीक है, तो मैंने टास्क तो कर लिए हैं बट मजबूरी में कुछ टास्क रह चुके हैं, ये नहीं रहा, सॉरी ये वाला टास्क रह गया है, बाकी सारे हो चुके हैं। अब ये वाला टास्क सबसे पहले करता हूँ, शिप वाला टास्क आपको करके पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एथेरियम सेलेक्ट करता हूँ, और आगे यहाँ पे जेटा चेन, और यहाँ पे शिप, और अमाउंट मैं एक ही शिप कर लेता हूँ एथेरियम के अंदर जाकर, एथेरियम लाकर यहाँ पे सेंड शिप पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे किए हैं, एथेरियम टू डाई में भेजा हुआ, सॉरी एथेरियम टू जेटा चेन में डाई भेजे हैं कुछ डाई के पॉइंट, और पेपे भी भेज दिया है, और पॉलीगॉन भी। और जहाँ तक फीस की बात है, फ़ीस इतनी इसकी ज़्यादा नहीं, शुरू में ज़्यादा थी, अब इसकी इतनी ख़ास फ़ीस नहीं है। यहाँ से प्रूफ कर दें 0.09 डॉलर लग रहा है, यानी कि आपका जस्ट आधा डॉलर लगे करेगा और आपका शिव का, पेपे का, डाई का टास्क हो जाएगा। तकरीबन आपका 1 से 1.5 डॉलर में ये सारे टास्क हो जाते हैं जो एथेरियम की चेन में है। इस वक्त गिवी भी बहुत कम आजकल चल रही है एथेरियम की, क्योंकि शुरू में मैंने 5-5 डॉलर लगा कर भी टास्क किए हैं। अब पहले देखिए 0.9 था, अब 0.1 यानी 1 सेंट के बराबर अभी है। एक और कॉल आएगी, यानी कि 3 कॉलें आती हैं तो आपका ये टास्क हो जाता है। एथेरियम टू जेटा चेन की चेन में हम भेज रहे हैं शिप, ठीक है, इसी तरीके से डाई भेजना है, फिर से इस तरीके से आपने पेपे भेजना है, तो आपका टास्क हो जाएगा। और एक और पॉलीगॉन का टास्क है, पॉलीगॉन टू जेटा चेन, यहाँ पॉलीगॉन रखना है, यहाँ पे जेटा चेन रखना है। तो यहाँ पे 0.0 कोई भी अमाउंट आप 0.0220 लगा कर भी कर सकते हैं। अभी देखें एक तकरीबन मेरा आधा डॉलर तीनों कॉलों पे भी किया जाए तो आधा डॉलर बन जाता है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा टास्क ये भी हो जाएगा। तकरीबन हर ये टास्क करने में आपको 15 मिनट लग जाए करेंगे आपका ये टास्क होने के लिए। चलिए जो टास्क है अभी रेडी कंफर्मेशन पे जा चुका है, तकरीबन 32 कंफर्मेशन होंगी तो यह टास्क हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी क्लेम फ्यूल डेली 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, इंडियन 7:30 बजे आप कर सकते हैं, 30 मिनट होते हैं उसमें इसको क्लेम करना होता है, फ्री के 75 पॉइंट, इसको भी मिस ना करें। पॉलीगॉन का मैंने बता दिया, उसके बाद जेटा स्टेक 10 जेटा पर मंथ, हर महीने में 10 जेटा स्टेक करने, तो ये भी आपका बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ, अगर यहाँ पे शो हो जाए आपको, चेक करवा दूँ, मैंने किया हुआ है यहाँ पे, मैंने पिछले मंथ किया था 10, तो अभी तक जा रहा है 20 डेटा, अभी भी स्टेक हुए पड़े हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट स्टेक करना है किसी भी यहाँ पे ला कर स्टेक कर दें, या इस पे या ओमनी पे, तो आपका हर महीने करने की, एक बार ही करेंगे, बार बार करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। उसके बाद इसमें एक और टास्क है जो कि थोड़ा मुश्किल है, ये वाला तो 0.00125 BTC जेटा में स्वैप करना होता है। इसी तरीके से एक और टास्क है जो कि काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही है, जिस कौन सा है यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ आपको, ये वाला है सप्लाई 10 USDT। अच्छा, ये करने के लिए आप जो है कोई भी स्वैप मार दें, लेकिन किस में करना है, USDT BSC और USDT BFC या USDT एथेरियम, आपने कर देना है स्वैप। स्वैप कर दिया,
जब स्वैप हो जाएगा तो आपने ये मार्केट का और बायर सप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पे नेटिव के अंदर, तो यहाँ पे आपने अगर USDT एथेरियम किया है तो सप्लाई यहाँ पे $10 कर दें, अगर USDT BSC किया है तो यहाँ पे सप्लाई कर दें। जैसे मेरे पास था, मैंने USDT एथेरियम में करके स्वैप कर दिया, गिव एवलेशन पे क्लिक कर देंगे एवलेंस, तो आपका ये टास्क भी हो जाएगा। सिंपली इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है। उसके बाद ये टास्क तो वही है, आपने 0.002 एथेरियम स्वैप मारने हैं जेटा से, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए BTC वाला भी ऐसी है, इस पे 10 जेटा स्टेक मारने होते हैं, ये भी आपको पता है इजी है। उसके बाद ये भी पुराना टास्क है, यहाँ पे 10 जेटा आपने करने हैं मिंट, ठीक है। उसके बाद ये है, यहाँ पे आपने जो है ना कोई भी ट्रेड लगानी है मिनिमम $100 के बराबर हो, यहाँ पे 100x करके चाहे $1 से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसी ये टास्क करने के लिए भी आपका तकरीबन 1 से 1.5 डॉलर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए शेबे शिब हो रहा है, टाइम लगना है। अच्छा, गेम का टास्क है, यहाँ पे प्ले के क्लिक करना है और इसको यानी कि साइन अप करना है, तो ये प्ले हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको करने के लिए कोई भी प्लाट सेलेक्ट करना है, जो जिसकी जो प्राइस है वो कम से कम हो, वो आपने लगानी है। जैसे इस वक्त 1.92 जेटा की बिट आ रही है, और चेक कर लेते हैं इनमें, आपने एक एक करके चेक करना है, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो आपने बाई कर लेना। मैंने आगे बाई किया था 1.4 जेटा वाला, ठीक है, तो वो मेरा टास्क हो चुका है। अभी नेटवर्क इस वक्त मेरा बहुत स्लो आ रहा है, इस वक्त ये शो नहीं हो रहा। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ ताकि इसकी प्राइस शो हो जाए, तो आपको आज ये आप चेक कर सकते हैं 1.1 की बीट आ रही है, आप एक क्लिक कर देना है, एक कोई भी प्लॉट बाय करना है तो आपका टास्क हो जाएगा। मैंने कर चुका हूँ, तो मैं इसको बाय नहीं कर रहा, मैं इसको मगरों ला रहा हूँ। 1.4 का मैंने इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आते हैं, फिर आने के बाद आपने रिफ्रेश कर देना है, जेटा टू जेटा अपने ही लिंक पे कुछ जेटा भेजें, आपका ये टास्क हो जाएगा। शुगर वाला टास्क आपने जो है कर लेना है, शुगर पे मैंने भी कोई भी 0.06 वाला सस्ता मस्ता आपने यहाँ से बाय कर लें। यहाँ पे सब लेडीज़ की तस्वीरें आ रही हैं, तो कोई भी जो सस्ता होगा, जैसे 0.06 वाला ये मैंने आगे बाय किया है, ठीक है, आपने ये बाय कर लिया, मैंने यही आगे बाय किया है, तो मेरा ये टास्क हो गया है। या आपने इस तरीके से इसको भी कर लेना है, ठीक है। ज़्यादातर लेडीज़ की आती हैं तो मैं उनको नहीं खरीदता, क्योंकि गुनाह वाला काम है, ठीक है। तो उसके बाद गेम वाला एक ये एक दूसरी गेम वाला टास्क है, वो भी मैंने कर लिया है, मिंट प्रूफ ऑफ अपग्रेड की गेम है। ये जो टास्क है ये आपने अपने PC में और एक मोबाइल में या दो मोबाइलों के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। अभी तो मैं ये शो नहीं कर सकता, मैंने कर लिया हुआ, ये पुराना टास्क है, उम्मीद है आप ये भी इजीली कर लेंगे। उसके बाद 30 USDT का स्वैप मारना है एथेरियम USDT के अंदर, या ज़ूमी फाइनेंस के अंदर मैंने स्वैप मारा था, जेटा से मैंने भेजा था वहाँ पे USDT एथेरियम, मैंने आगे इस्तेमाल किए 68 जेटा, सॉरी 68 जेटा इस्तेमाल किए थे, तो मेरे 31 जेटा USDT एथेरियम में स्वैप हो गए थे। आपने ऐसे स्वैप करना है तो आपका ये भी टास्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेटिंग पे आके यहाँ पे 0.1 लाजमी लग के सेव मार दें, ताकि आपकी ये जो है स्लिपेज कम इस्तेमाल हो, ठीक है। इसको आपने स्वैप करना है तो आपका ये टास्क भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा टास्क रह गया, एडी फाइनेंस के अंदर आपने कोई भी टोकन स्वैप करना है तो आपका वो भी टास्क इजीली हो जाएगा। एथेरियम भी मैंने समझा दिया, स्टेक है नहीं इस पे स्टेक करना है वो भी बता दिया, पुराना टास्क है ये भी पुराना है $10 वाला, तकरीबन मैंने सारे समझा दिए। आप सारे टास्क भी आसानी से कर सकते हैं, जब सारे कर लेंगे तो आप जो है ना करने के बाद इन सब के जो हैं पॉइंट क्लेम कर लें, क्लेम करने के बाद ये आपकी लाइन आगे चली जाएगी। इसको फुल करने के लिए सारे करने होंगे, सारे जब कर लेंगे तो इनकी रेटिंग भी फुल फुल करके आप करते जाएं, ताकि रेटिंग भी जब फुल करेंगे तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये रेटिंग के भी पॉइंट बना दें, तो ये भी आपको हो सकता है कोई रिवार्ड दे दें। मेरे रॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक किस्म का मैंने रिस्क लिया हुआ, क्योंकि सीजन 1 में तो इन्होंने एक किस्म की खच मारी कि रिवार्ड एक तो कम दिया है और दिया भी कुछ RFP
के थ्रू दिया है, आरडीए ऐप्स के जरिए, जो कि गलत बात है। उसमें अभी 2 पॉइंट यानी कि 3 मिलियन डेटा समझो बांटे गए, बाकी 7 मिलियन डेटा जो है ना इन्होंने डायरेक्ट बांट रहे हैं, जो हमारा एक्सबी बेस के थ्रू पॉइंट होंगे उसके थ्रू। अगर रॉयल्टी प्रोग्राम में अगर हम इसी तरीके से काम करते हैं, उम्मीद है शायद ये इसका स्नैपशॉट अक्टूबर नवंबर जब भी करें, डायरेक्ट ही रिवार्ड दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कह नहीं सकते डायरेक्ट देते हैं कि नहीं देते, अगर डायरेक्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये टास्क 15 मिनट पूरे होने के बाद पूरा हो जाएगा, तो मैं रिफ्रेश करके इसको भी क्लेम कर लूँगा और इसकी रेटिंग भी फुल कर लूँगा, तो ये टास्क भी हो जाएगा। वो देखें हो चुका है, तो इसको मैं जो है यहाँ से क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम आपने कर लेना है, तो क्लेम करने के बाद आपने अभी देखें ये लाइन फुल हो चुकी है, यानी कि 92,000 पॉइंट हमें मिले हैं, और यहाँ से मैं इसको रेटिंग भी फुल कर दूंगा। रेटिंग हाँ आपने हर कोशिश करनी है कि फुल करते जाएँ, रेटिंग फुल करेंगे तो इसका फ़ायदा आने वाले वक्त में मिल सकता है। ये मैंने कर लिया है, बाकी इस वक्त मेरे पास जो डाटा है कम ही रह गए हैं कुछ है। इसमें यही जो रिवार्ड मुझे मिला था सीज़न 1 के अंदर आरएफपी के थ्रू, उसी से फ़िलहाल मैं टास्क करता जा रहा हूँ। अभी खुद से कोई डिपॉजिट नहीं किया, यानी ये समझ लें आधे पैसे मैंने निकाल लिए थे, आधे से टास्क करता जा रहा हूँ इसी अकाउंट के अंदर। उम्मीद है 1 महीना टास्क हो जाएगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा डिपॉजिट कर लेंगे, कोई मतलब नहीं। उम्मीद है 1 से 2 महीने टास्क होता जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीक हो सकता है ये नए इसके अंदर डी एप्स ऐड कर लें टास्क के लिए, तो करते जाइएगा। बाकी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो माजरत, काफ़ी दिन के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ, वीडियो भी लेट हो गई क्योंकि हमने घर की शिफ्टिंग की है, घर किसी और जगह पे लिया है, तो शिफ्ट करते करते आपको बताया सेटल होते टाइम लग जाता है, तो इसलिए वीडियो भी मेरी बनी आती गई। अब वीडियो इंशाल्लाह आती जाएगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, और इंशाल्लाह टेलीग्राम में भी मैं फिर दोबारा से एक्टिव हो जाऊँगा, तो कोई मसला मतलब और मेरी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप रब्ता करते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा इंशाल्लाह।